अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए आ चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया का क्लास 11 का आर्ट्स का एंट्रेंस हो चुका है 10 से 12 बजे तक। मैंने अभी आपको दी थी आंसर की, आप चेक कर लिए होंगे, आप चेक कर रहे होंगे दोस्तों। कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, पेपर के बारे में बताऊंगा, पेपर का क्या लेवल था और कट ऑफ क्या रहने वाली है अलग अलग स्कूल्स के लिए। आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचें। दोस्तों पहले बात करते हैं आपसे पेपर के बारे में। 60 मार्क्स का यहाँ पर आपको आया था सोशल साइंस, इसमें से मेरे ख्याल से वो पार्ट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि 90% पेपर बहुत ही सही आया था, उन्होंने बहुत ही आराम से कर लिया होगा। बाकी तुक्का मारा होगा, जामिया में तुक्का मारने का फ़ायदा होता है कि कोई यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आप मार सकते हैं। लेकिन 52 से 54 तक जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो आराम से कर गए होंगे, तो वो पार्ट आसान था, मुश्किल नहीं था। कुछ सवाल घुमा के आए थे लेकिन वो 5-6 थे, ज़्यादा नहीं थे। दोस्तों सेकंड पार्ट थी आपका आया था इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों 25 मार्क्स की आई थी और 25 मार्क्स में मेरे ख्याल से 18 से 20 मार्क्स की आसान थी, वो इतनी मुश्किल नहीं थी। बाकी 4-5-6 सवाल थोड़े से ट्रिकी थे, उसमें तुक्का बच्चों का शायद ना लगाओ, लेकिन 20 मार्क्स तक का मामला आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। दोस्तों तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट था आपका जीके। जीके मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल थी इस पार्ट में, मैं समझता हूँ उसके अंदर 7-8 सवाल जो है वो मुश्किल थे आउट ऑफ 15, तो 50-50 दोस्तों जीके थी, मान सकते हैं कि 7 सवाल दोस्तों ज़्यादा मुश्किल थे। तो इन टोटैलिटी बात करें, अगर आप 18 मार्क्स के राउंड पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, जीके सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें जीके थी। लेकिन अगेन एक फ़ायदा है जामिया में, तुक्का मारो, आप गलत हो जाए तो कोई निगेटिव नंबर आपका नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो अगर आप देखें ओवरऑल पेपर वॉज ईजी, क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ 80% पेपर दोस्तों, ये 82% पेपर या 83% पेपर आसान था, तो इसको आसान में ही आप डालेंगे। लेकिन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु वेंट इनटू द एग्जामिनेशन वेल प्रिपेयर्ड एंड नॉट दोज हु जस्ट इन वैन टू डेली फॉर अ ट्रिप। समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों बात करें कट ऑफ के बारे में, पहले बात करूँगा आपसे जामिया सीनियर, आपका जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, यहाँ कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। इस पेपर के हिसाब से मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहेगी दोस्तों 85 to 87, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में दोस्तों आ रहे हैं तो जो कट ऑफ यहाँ पर आपको रह सकती है वो 83 to 86, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगर आप मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में अगर आ दोस्तों आ रहे हैं, अगेन कट ऑफ यहाँ रहने वाली 83 to 85, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा तो हो सकती है ऊपर लेकिन कम नहीं होगी। तो मुस्लिम ओबीसी एसटी में अगर आप आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ आपको रहने वाली है 82 से 84 तक, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। और आप जम्मू कश्मीर में हैं दोस्तों, अगर आप अगेन कट ऑफ जो रहेगी लगभग 81 to 83, और कश्मीरी माइग्रेंट हैं अगर आप, तो आपके अगर 47 to 50 आपने स्कोर कर लिया है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे जामिया का जो मेन स्कूल है सीनियर सेकेंडरी। दोस्तों बात करेंगे आगे, अब अगर आप हैं सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, तो बात करेंगे अब आपसे सेल्फ फाइनेंस के बारे में। दोस्तों सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से बात करें अगर आप, तो अगर आप अगर जनरल हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ रहने वाली है 77 to 80, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी। सो मुस्लिम कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगेन आपका स्कोर लगभग होना चाहिए 75 to 78, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी। मुस्लिम वुमेन अगेन सेम है 75 to 78, बहुत कम नहीं होने वाली है। मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं अगर आप, यहाँ दोस्तों आप मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहेगी इस पेपर को देखते हुए वो रहेगी आपको 69 to 72। दोस्तों अगर आप अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो कट ऑफ यहाँ रहने वाली है मेरे ख्याल से 72 to 75, और कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो अगर आपका स्कोर 34 to 37 के बीच में आपने स्कोर कर लिया, देन इन माय ओपिनियन आपका एडमिशन हो जाएगा क्लास 11th में सेल्फ फाइनेंस के अंदर। दोस्तों तीसरा स्कूल है आपके लिए आबिद हुसैन। दोस्तों आबिद हुसैन में अगर आपको लेना, ये कोएड है, सेल्फ फाइनेंस है दोनों के लिए, तो यहाँ दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी इस पेपर को देखते हुए मेरे ख्याल से जो रहने वाली है वो 82 से लेके 84 तक रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ना इससे कम होगी। दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम हैं अगर आप, तो मुस्लिम कैटेगरी के अंदर अराउंड दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे ख्याल से 81 to 83 रहेगी, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। मुस्लिम वुमेन दोस्तों हैं अगर आप, तो इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ जो रहेगी वो 79 to 81, इससे दोस्तों ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम तो होती लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं अगर आप, अगर आपका स्कोर है अराउंड 79 to 82 के बीच में रहेगा, ये यहाँ पर एक दो नंबर का ही इससे फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस
यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए, ना ही होता है। दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं और आपको लेना है एडमिशन आबिद हुसैन के अंदर, अगर आपका स्कोर 76 to 79 के बीच में आपने स्कोर कर लिया है, देन आपका एडमिशन हो जाएगा जामिया में क्लास 11 आर्ट्स के अंदर। दोस्तों ये था मेरा गैस, मैंने बता दिया आपको पेपर के बारे में, कट ऑफ क्या रहेगी, तीनों स्कूल्स के बारे में बता दिया आपको डिटेल। मुझे पूरी उम्मीद है कट ऑफ इन्हीं के बीच में लाई करने वाली है, एक आध नंबर का ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही, शाम को वीडियो आएगी कॉमर्स की, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।